सो गाइस स्वागत है एक नवी झंड लाइफ। तो कितना सारे ऊपर सब बढ़िया होंगे यार। तो अभी जो नया आया लाइक कर देना वीडियो को, लाइक प्लीज प्लीज, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करने बोलूंगा। बाकी ये देखो मौसम, सुबह बारिश आई थी बहुत ही ज्यादा, और ये देखो हमारी चादर का क्या हाल हुआ। अभी उतार में अभी डर लगता है, करंट वाली तारे हैं सारी, तो इसीलिए अब ये हमारी ऊपर से शायद छत से गिरी है। और स्कूटी एक रात को ना उसकी रेस की तार खराब हो गई, तो शॉप की वहीं पे खड़ी है, शॉप मतलब वहीं पे खड़ी कर दी थी रात को। और जैसे वो पता है वो दोनों भी गए हुए थे शॉप पे, तो तीनों रिक्शे पे, चाचू भी और वो दोनों, रुद्दू प्रिंस भी। और रुद्दू छुट्टी पे आज क्योंकि उसे चोट लगी थी ना, तो अभी उठेगा तो पता लगेगा ठीक है या नहीं। तो रवि प्रिंस की भी छुट्टी थी, नहीं गया वो। और बाइक का हाल तो तुम्हें पता ही है, मेरी ऐसे ही रहता है। बाकी स्कूटी है, एक पापा लेके जाएंगे, फिर मैं जाऊँगा शॉप पे चाचू के साथ, फिर मेरे को वो सही करवानी है स्कूटी तार। 2-3 घंटे उसे लग जाएंगे, वो दूंगा कंपनी में, फिर देंगे थोड़ी देर बाद, देंगे 1-2 घंटे बाद। और घर भी जाना है आज, 7 तारीख है, कल लक्कड़ वाले नहीं, आज शायद 8 पता नहीं 7 है, कल लक्कड़ वाले नहीं आएंगे क्योंकि हरिद्वार जा रहे थे, ऐसे मैंने आपको कल बताया था। तो 4-5 दिन फिर मेरे को भी जल्दी जाना पड़ेगा, 6 बजे तक वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और बाकी चलते हैं फटाफट। इसकी बेल्ट टूट गई बेचारी की, धक्का मार के लाए हैं। अभी मैं यहाँ सही करवाने आया हूँ, आधा घंटा मुझे यहीं हो गया। पहले 1 बजे आया था, कह रहे 1 बजे मिल जाएगा, इसकी रेस की तार टूटी थी, तो अब कह रहे हैं वो नीचे ना आवाज़ भी आती थी बेल्ट डलवाने के बाद, तो वो भी दिखवा रहा हूँ क्या हो गया। बाकी पैदल ही आ गया था शॉप से, पास में ही है तो बस। और अभी घर जाऊँगा, सीधा नहाना वाना है, फिर खाना खाएँगे, फिर अपने घर दोबारा तो आना, क्योंकि लक्कड़ वाले आज शायद कल भी आएंगे, कोई और आएगा मेरे हिसाब से, एक भैया नहीं आएंगे उनमें से जो काम कर रहे हैं, बाकी आएंगे, बाकी 1-2 दिनों बाद फिर जाएंगे, ठीक है। बाकी सर्विस सेंटर यहीं खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कटर ठीक होते तो निकलता हूँ कटर के, क्योंकि नहाया नहीं और भूख भी लग रही है। नहाऊँगा फिर खाऊँगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा यार, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ करोल बाग जाऊँगा, लेकिन वहाँ भी टाइम नहीं मिल रहा, बस एक ऑलमोस्ट 1 वीक लगेगा, उसके बाद में परफेक्ट ओके रिपोर्ट हो जाएगा, फिर मैं जाना शुरू कर दूंगा। फिर मेरे को शूट वगैरह मिलेगा तो आपको दूसरे चैनल दिखने को मिलेगा। ओके, लाइक कर दो वीडियो। सो गाइस फाइनली घर पे आ चुका हूँ, और नावा भी लिया, स्कूटी एकदम ओके रिपोर्ट हो गई, नीचे एक आवाज़ भी आ रही थी वो भी क्लियर हो चुकी है, आवाज़ नहीं आ रही। और ये देखो माल दिखाऊँ तुम्हें, ये देखो 43, ये देखो मम्मी का हाथ में, ये पता क्या है, ये प्रिंस ने जमा किए थे, सेविंग्स की थी, बुल्लक में डाल रहा। कितने पैसे हो गए प्रिंस? 2000 तो 500 में 4 नोट होंगे, चल जिन्ने भी होंगे अद्धे होंगे अपने, आधे इस बंदे ने आधे पता है क्या मेरे पर्स में से निकाल के गुल्ले में डाले, बहुत सारे थे। पापा ने 500 का दिए, ये दुकान के लिए सिक्के उठा लिए, पर इसको 500 नगद दे दिए, चेक दे 15 दिन बाद। तो ये कल लेके आया था प्रिंस ने ना, साइड में रख दिया था। मुंह देखो, मुंह देखना इसका, तो कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया, कोल्ड ड्रिंक की। तो ये भाई साहब के लिए डोसा वड़ा तीनों के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी ना चोट लगी हुई है, तो उसके साथ दोनों की बल्ले बल्ले हो रही दोनों की, ठीक है। तो ये ले आया, और बाकी मेरे को घर जाना है, अभी वीडियो एडिट भी नहीं, मेरे को भी डिलीवरी करनी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है रे बाबा, एक टेंशन थोड़ी है अपने को, बहुत सारी टेंशन है। गुड मॉर्निंग, तेन की हो गया? ये देखो क्या होया, ये ना अभी सो के उठी है, अभी इनकी ना कि पहले तो 4-4 बजे सोते थे सुबह जब छुट्टियां थी, अब इनको ये स्कूल जाना था, सुबह जल्दी उठते हैं और रात को लेट नींद आती होगी, ये वापस खेल वेल के वापस आ जाता है। और ये रुद्दू, अब इसके चोट कहाँ कहाँ लगी, अब रुद्दू स्टोरी बताएगा। रुद्दू कथा दस, कितों बजी बजी सी एक्शन नहीं कर रही, खाना पूरा बारिश में, और उधर पूरा वो पानी जम जाता है, हम उधर ऐसे ऐसे कर रहे थे, उधर से भाग आया, मैं भी गिर गया, ऐसे ऐसे पानी चाल की, फिर अंदर बगदे बगदे आया मैं, सीधा वो पत्थर
पहले तो दर्द नहीं हुआ मेरे घर पे आके, यहाँ लगी चार पांच जगह लगी हुई यहाँ पे दूसरे हाथ में पैरों में, ये देखो फिर रात में सर गला भी दर्द होने लगा, बुखार हो गया इसे। कल रिक्शे पे शॉप पे गए रुद्दू को दवाई वगैरह लगवाने ना, दवाई बहाने ना गई थी, मतलब इनको चोट का बहाना ही था वो। सुबह घूम आए हो, चाय पी रहे हो, तुम्हें पता है मजदूरों के लिए थोड़ी देर के लिए समय मिलता है खाना पीने के लिए, वो ये है बस, फिर मेरे को घर जाना है उधर। एंड ये देखो गेम खेल रहा है, गेम घर जाना है।